तो आज मैंने क्या क्या कैरी किया है मैं आपको बता दूं। अरे 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 नहीं नहीं अरे रुक मेरे लिए हेलो गया वो लेफ्ट में। मुझे ना नीचे डाउटफुल लग रहा है एकदम, क्योंकि ऊपर तो होगा नहीं, ऊपर तो ब्रिज ही होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज संडे के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज अपन फिर से हम राइड के लिए निकले। लास्ट संडे अपने को बंजी रोप लेना था इसलिए हम निकले थे, बट आज ऐसे ही रैंडमली जहां जाएंगे मुझे खुद को नहीं पता कि हम कहां पे जाने वाले। दो दिन लगातार छुट्टी आई तो आज पूरा खाली है। सब वीकेंड्स पे ट्रिप्स के लिए गए तो आज ट्रैफिक पूरा खाली है। स्कूल बंद, ऑफिस बंद, कॉलेज बंद, आधे लोग घर पे बैठे हैं, आधे लोग वीकेंड के लिए कहीं बाहर गए हैं। मैंने एक DSLR लिया है और एक बेसिक लेंस मैंने लिया है और GoPro के कुछ बैटरीज है और एक हैंडी एक ट्राइपॉड भी है, बस इतना ही है। और एक DSLR का एक माइक है बस। गाइस ये गाड़ी बातें करने के लिए नहीं बनी है, साउंड फील करो गाइस। अरे भाई इसको देखो भाई, भाई 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 करो करो मोबाइल यूज करो, ब्रिज पे रुक के ही मोबाइल यूज करो। गाइस गाड़ी का कलर ना काफी डल हो गया है यार, मैं सोच रहा हूँ ना कि कलर करूं, बट थोड़े दिन रुकने वाला हूँ मैं। धूप में गाड़ी खड़ी रहती है ना तो एक टाइप से गाड़ी को टैन आ गया है। सस्ते में अच्छा कोई कलर करने वाला ढूंढना चाहिए। और वो स्टिकरिंग भी किया था, वो भी मेरे को मतलब उसने बोला था ओरिजिनल है स्टिकर, बट स्टिकरिंग कुछ मेरे को अच्छा नहीं लगा, वो थोड़ा चिप 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 लग रहा है मुझे स्टिकर्स पे। तो अभी इस बार जब मैं कलर कराऊंगा तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्टिकरिंग ना ही कराऊं, विदाउट स्टिकर गाड़ी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ स्टिकरिंग मैं करा सकता हूँ ओरिजिनल, वो भी बजाज के सर्विस सेंटर से, तो ही करूंगा। बट बाकी मैं किधर, ये सेकेंड टाइम मेरे साथ हुआ है, मैं स्टिकर लगाने के लिए गया, बोलते वक्त बोलते हैं ओरिजिनल, बट ओरिजिनल कुछ नहीं होता गाइस, ओरिजिनल आपको सर्विस सेंटर में ही मिलेगा। तो मैं बस नाश्ता ही करके निकला हूँ, तो आज शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि खाना भी अपना भारी होगा। गाइस अपने गाड़ी पे पेट्रोल नहीं है पता है, मतलब लास्ट टाइम जितना भरा था उतना है, बट पेट्रोल भराना पड़ेगा। मैं आते वक्त क्यों नहीं भरा है, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत रश होगा, मतलब सोचा आगे जाके भराते, बाद में पता चला तो भाई देखा तो पूरा खाली है। यहाँ पे किधर तो ना पाम बीच रोड भी आता है गाइस, वो भी काफी अच्छा है। और मैंने सुना है कि वहाँ पे पाम बीच पे बहुत सारे काफी एक्सीडेंट होते हैं, तो एकदम सीधा रोड है, मतलब मोस्टली बाइकर्स लोग के एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि भगाने के लिए चांस मिलता है। तो आज अपन ट्राई करें क्या, अगर अपन कहीं अगर नहीं जा रहे तो पाम बीच रोड जाते हैं। मुझे देखना है, भगाना नहीं है गाइस, बस देखना है। अब थोड़ा अपन नीचे से लेते हैं क्योंकि अपने पास पेट्रोल नहीं है। Why she was staring at me?
मुझे ना गाइस वो वाला स्पॉट चाहिए जहाँ से ना सब बाइकर्स निकलते संडे के दिन। और वो स्पॉट पता है कौन सा है? मुझे खाली इतना ही पता है कि वो मैकडॉनल्ड्स है, बट वो कौन सा मैकडॉनल्ड्स है मुझे ये नहीं पता। अपन एक बाइकर को अपन ये चीज़ अपन पूछ सकते हैं यहाँ के, उनको 100% पता होगा। या कोई भी अगर रैंडमली अगर बाइकर अगर मिल जाता है जो राइड के लिए निकल रहा है, जैसे ये बंदा, नहीं ये बंदा नहीं, ये तो थोड़ा ऑफिस वाला लग रहा है, हाँ ये बंदे को पूछ रहा चाहिए, पर ये बंदे के पीछे पीछे भगाते हैं। अपन शायद वाशी पहुंच गए, यहाँ पे वाशी लिखा हुआ तो है, तो अभी अपन ना ब्रिज के नीचे से जाएंगे पूछते पूछते लोगों को। ओ भाई इतना ट्रैफिक, और ये ट्रैफिक में इतने सारे लोग बेचने वाले भी है। चना सिंह, मोस्टली सिंह ही होता है, चना नहीं होता। साइड में देखा किधर मैकडॉनल्ड्स दिखता है क्या? ऐसा बड़ा मैकडॉनल्ड्स है वो, और ना पार्किंग के लिए बहुत जगह है, तो वहाँ पे सब ना बाइक्स खड़ी रहती है और फिर वो लोग एक साथ निकलते हैं। ओहो क्या दिख रही है मर्सिडीज भाई, ये हेलमेट है या क्या है? कुछ भी हेलमेट मत पहना करो यार, थोड़ा सेफ्टी देखो। ये तो भाई इसने कुछ भी उठाया और कुछ भी पहना है भाई। अभी ना पेट्रोल देखते हैं, वी आर आउट ऑफ पेट्रोल आई गेस। अरे यार अपन फिर से कनेक्ट हो रहे हाईवे पे, पेट्रोल पंप मिल ही नहीं रहा, ये क्या बात हुई? फिर से नीचे से आते हैं। कार डेंजर टनल है ये, मुझे ना नीचे डाउटफुल लग रहा है एकदम, क्योंकि ऊपर तो होगा नहीं, ऊपर तो ब्रिज ही होगा। ए! है ना गाइस, मैग्नी मिल गया, लेट्स गो। अबे आगे रहेगा वो क्या दिख रहा है? एम एम, हाँ एरो, अरे वो कीप लेफ्ट बोला था ना। नहीं यार ये लोग को भी नहीं पता होगा। ऐसा है तो यूटर्न मारना पड़ेगा अगर तू बोल रहा है तो, बट उसने बोला था कि लेफ्ट, कीप लेफ्ट, तो ये लेफ्ट, हाँ गॉट इट। बट ये मैकडी मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से कोई निकलता है। नहीं यार उसका पार्किंग थोड़ा अलग ही है, ये मैकडी नहीं है वो, उसका पार्किंग ना ऐसा पूरा खुले में है, और खुले से ना रोड भी दिखता है, सीधा हाईवे कनेक्ट होता है।